झारखंड की राजधानी रांची के ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सभी जगह जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। राहिब प्रखंड क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र जंगल से सटा हुआ है, जिसके चलते लगातार जंगली हाथी इन इलाकों में अपनी दस्तक देते रहते हैं। इस वजह से जहां कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, तो कई किसानों की फसलें भी भारी मात्रा में इन जंगली हाथियों द्वारा बर्बाद कर दी जाती है। किसानों में इसको लेकर वन विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश है। वहीं वन विभाग द्वारा जंगली हाथियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने के लाख दावे किए जाते हैं, मगर उनके सारे दावे हवा हवाई साबित होते हैं। हुआ पर लिखी मैंने कि तीन रात हम लोग हाथी का इनमें परेशान, दिन में रात में तो रात जगते ही हैं। गांव टोला भी हम लोग का वैसे ही है, जो कि जितना हाथी है उतना मैंने कि हम लोग आदमी भी नहीं है, जो कि हम लोग परेशान रहते हैं। यदि गांव का आदमी जाता है तो जंगल किनारे में ही है, खेत भी है, अब पूरा रोड के खत्म कर दे रहा है, जिसके कारण रात में हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। और जो कि परिश्रम के साथ हम लोग जो खेती करते हैं उसका मुआवजा हम लोग को अलग ही लगता है, मतलब कि खेती का जो हम लोग मेहनत का जो धान खेती का जो हम लोग का जो मिलता है उसमें हम लोग को ये लगता है, लेकिन जो भर के हम लोग देते हैं फॉरनर, जैसे कि इतना एक एकड़ में मेरा इतना खाया, लेकिन उसका मुआवजा हम लोग को 25 रुपया 35 रुपया 155 रुपया इस तरह से मुआवजा मिलता है। सही मुआवजा भी मिल नहीं पाता है। जो क्या मैं एक सप्ताह से लगभग 50-55 का संख्या में जंगली हाथी रेलाड़ी जंगल में बना हुआ है, और अगल बगल के जितने भी गांव आते हैं, जैसे परासटोली, काफीडी, होटलो, फुलवार, गुजी मधुकम, वहाँ पर जा के काफ़ी क्षति पहुँचा रहे हैं। और हम लोग भगाव टीम, लोकल टीम से काफ़ी प्रयास किए, लेकिन हम लोग अभी तक सफलता नहीं मिल पाया है। और अभी बंगाल टीम से बात किए हुए हैं, तो अभी हम लोग को समय दिए कि 3 बजे तक में यहाँ पे फील्ड पे शामिल हो जाएंगे, आ जाएंगे, तब तक हम लोग व्यवस्था व्यवस्था करते हैं और टीम के साथ शामिल होते हैं हम लोग इसको।